जन स्वराज पार्टी के मोटो के हिसाब से एक ऐसा उम्मीदवार चुनना जरूरी था जिसको बाकी पार्टियों की तरह परिवारवाद और वंशवाद या किसी माफिया वगैरह से कोई संबंध ना हो। हमारे पास 5 नाम आए थे और उन 5 नामों में शामिल थे श्री आनंद सिंह, मोहम्मद शमीम, श्री विनायक जायसवाल, श्री राम नारायण राम और श्री सुशील सिंह कुशवाहा। इन 5 नामों में हमें एक सही उम्मीदवार चुनने के लिए सब लोगों से बातचीत जारी रखी और फाइनली सब लोगों ने जिस नाम पर अपनी सहमति जताई वो है श्री सुशील सिंह कुशवाहा। श्री कुशवाहा काफी लंबे समय से राजनीतिक कार्यों में लगे हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, रामगढ़ में रहते हैं और आप सब उनको अच्छी तरह जानते हैं। लगभग 30 सालों से वो स्वर्गीय कांसीराम जी के साथ काम करते आए हैं। सारे समाज के वर्गों, स्पेशली दलित समाज को उन्होंने काफी आगे बढ़ाया है। तो हम ही नहीं जानते हैं, ये सिर्फ रामगढ़ नहीं जानता है, ये पूरा कैमूर नहीं जानता है, ये पूरा बिहार जानता है कि रामगढ़ और इस कैमूर, इस बिहार, इस समस्याएं क्या है। सबसे पहला समस्या, इस हर इंसान को, हर एक नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, अगर सबसे पहले प्रिंसिप आधारभूत जो संरचनाएं हैं इसकी जरूरत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह भाषण देने का समय तो नहीं है, लेकिन आपने पूछा है तो जवाब इसका देना पड़ेगा। आप जैसा जानते हैं कि रामगढ़ में ग्राम भारती कॉलेज, जे बी भारती कॉलेज के नाम से जाना जाता है और एक पटेल कॉलेज भगुआ में है। आज से 50 साल पहले चाहे जिस नेताओं ने उसका उद्घार किया, उदय हुआ, तीसरा कॉलेज आज गवर्नमेंट के तरफ से कोई स्थापित नहीं हुआ है। इसलिए मैं तमाम मीडिया के माध्यम से यह मांग करता हूँ कि आप भी मेरा कंधा से कंधा मिलाएं और मुझे अगर मौका मिला, जितनी मेरी क्षमता होगी, माननीय प्रशांत जी से मिलके, तो मेरा पहला फोकस होगा कि सिर्फ रामगढ़ में नहीं, इस कैमूर वासियों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाए। यहाँ जितने लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं और कमा के अन्य प्रदेशों को जो दे रहे हैं, मैं पूर्णतः उससे संतुष्ट नहीं हूँ, हमारे नेता भी संतुष्ट नहीं है। मैं हमारी पहला मुद्दा होगा एक यूनिवर्सिटी की यहाँ स्थापना की जाएगी। इसमें हम बाबा मदन मोहन मालवीय की तरह हिंदू विश्वविद्यालय उपस्थित है, उसे कैमूर में भी एक यूनिवर्सिटी हो, मैं तो यही चाहूँगा।